गल करांगे एसजीपीसी दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने एक वड्डा बयान दिता। हरजिंदर सिंह धामी ने एक वड्डा बयान दिता, कहिंदे ने कि श्री अकाल तख्त साहिब दे नाल पंगा लैण वालियां दा हशर कांग्रेस नालों भी माड़ा होगा। एक बार फिर तो दस दिए हरजिंदर सिंह धामी कहिंदे ने कि श्री अकाल तख्त साहिब दे नाल जिन्हें पंगा लिया पंगा लैण वालियां दा हशर कांग्रेस माड़ा होगा। आरएसएस से बीजेपी सिखां नूं कमजोर करन दी कोशिश कर रही है, धार्मिक मसलियां दे विच दखल दे रही है बीजेपी। हरजिंदर सिंह धामी ने एक बार फिर तो बीजेपी ते निशाना साधिया, आरएसएस नूं लैके उन्होंने निशाना साधिया। उन्होंने कहा कि दखल अंदाजी की जा रही है और दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी, धार्मिक मामलों च दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं होगी। एसजीपीसी दे प्रधान धामी का वड्डा बयान, आरएसएस से बीजेपी सिखां नूं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक मसलों च दखल दे रही है बीजेपी। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा आरएसएस से बीजेपी सिखां नूं कमजोर करने की कोशिश कर रही है, धार्मिक मसलों च दखल दे रही है बीजेपी। जदों मुल्क आजाद होया कांग्रेस हमेशा जतन करती रही सिखां दे विच धर्म के दखलअंदाजी करन दी, जिहड़ी सिखां ने कदे भी अक्सैप्ट नहीं कीती। अज उही कांग्रेस जिहड़ी धर्म के दखलअंदाजी करती सी किते लभ्यो नहीं लभदी, ना स्टेट पद्धर ते लभदी आ ना नैशनल पद्धर ते लभदी। ते इह जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी जां आरएसएस आ, आरएसएस तां पहलां ही लुकमें तौर दे उत्ते इह दखलअंदाजी करती सी, पर जार नहीं सी, पर इन्नी तवक्को नहीं सी वी बीजेपी भी इहदे सिद्धे विच उतर आऊगी। ते मैं समझदा इह बहुत माड़ी गल आ। खट्टर साहब जदों जगदीश सिंह झींडे नाल मुलाकात की 2-3 दिन पहलां, तो उत्थे उन्हें बाद प्रैस वाले ने पूछा झींडे नूं भी अंदर की होया, कहिंदा जी ओह कहिंदे नौ की लड़ाई जित के फिर गल करांगे, इह तुहाडे मीडिया की आ मेरी नहीं गल। फिर होर दखलअंदाजी सीधी किहड़ी चाहुंदे आ? जे उत्थे दे अजकल सो काल जिहड़े हरियाणे दे विच अपने आप नूं प्रधान क्लेम करदे आ, उह जे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आउंदा ते किहदा धन्नवाद करदे? खट्टर दा धन्नवाद करदे जाके अपने भगवंत मान दा? इह जग जारा हो गए सारी गल उत्ते धन्नवाद करते सरदार अपने श्री नरेंद्र भाई मोदी का, अमित शाह जी का करते, तो हूँ सबूत होर इतों ज्यादा की होने तो सीधी दखलदारी।